नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त संदीप कुमार और लेके आ गए मैं फिर से एक और नई वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए है ये। दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि फेसबुक पेज कैसे बनाएं, न्यू पेज कैसे क्रिएट करें। दोस्तों बिल्कुल आपको सिंपल और आसान तरीके से बताएंगे, जो आप लोग सभी लोग आप अपना अपना पेज बना सको दोस्तों। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की रहती है कि अपना जो फेसबुक पेज बनाते हो या प्रोफाइल बनाते हो दोस्तों, उसमें जो आपकी कैटेगरी होती है उसको वो सिलेक्ट करते हैं तो अपने हिसाब से नहीं आती, अपनी मनपसंद की कैटेगरी नहीं आती जिस पर आप काम करना चाहते हो दोस्तों। वो भी आपको सिलेक्ट करके दिखाएंगे, जो भी आपकी कैटेगरी हो, चाहे ब्लॉग हो या फिर डांस हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, जितनी भी आपकी कैटेगरी दोस्तों, जिस कैटेगरी से आप काम करना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, तो वो आपको सिलेक्ट करके दिखाएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको और एक और बात बता दें दोस्तों, कुछ लोगों के कॉमेंट आ रहे थे, ज़्यादा नहीं, एक दो लोगों का कमेंट आया था, बोल रहे थे कि पहले वीडियो बनाने से पहले तो अपना बैकग्राउंड सुधार और अपने कपड़े देख, ढंग से कपड़े पहन तब वीडियो बनाना है। तो आपको बता दें दोस्तों, देखो हम यहाँ पर अपने कपड़े और बैकग्राउंड दिखाने के लिए नहीं आए हैं, और सिर्फ देखो हमारे काम से मतलब रखे, ठीक, हम यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए नहीं आए दोस्तों। जैसा भी बैकग्राउंड है, जैसे भी कपड़े हैं, वो हमारे हैं दोस्तों। और जिस किस्म की हमारे वीडियो अच्छा लगता है बस वो ही रुके यहाँ पर, जिसको कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है लाइफ में दोस्तों, बस वही रुके यहाँ पर वीडियो पर। और जिसको हमारा ये वीडियो फालतू लग रहा है तो दोस्तों वो बैक हो सकता है यहाँ से, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको फेसबुक पेज बनाना है, जिसको पैसे कमाना है, तो वो ही वीडियो पर रुके और पूरा वीडियो देखे ध्यान से, ठीक है। वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर दोस्तों, और बिल्कुल आपको लाइव दिखाने वाले हैं यहाँ पर, कोई हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा आपको लाइव बना के दिखाएंगे फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फेसबुक को ओपन करते हैं। तो फेसबुक मैंने ओपन कर दिया। अब क्या करना है, अपने प्रोफाइल पर यहाँ पर थ्री डॉट पर टच करना है। यहाँ मैंने देखो टच कर दिया दोस्तों, पहले से हमारा एक पेज बना हुआ है दोस्तों। अब क्या करना है, आपको पेज बना के दिखाना है, दूसरा न्यू क्रिएट करना है। कैसे करते हैं दोस्तों, नया पेज कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये पेज लिख कर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये भगवाधारी ये झंडा सा बनकर आ रहा था, तो इस पर क्या करना है, टच करना है पेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने टच कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर ये देखो एक पहले से यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल का ये बन के आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट पर करना है दोस्तों। यहाँ पर क्रिएट पर मैंने टच कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधा स्टार्ट करना है, और यहाँ पर अपने जो पेज का नाम रखना चाहते हो, जो भी आपका नाम है दोस्तों, वो यहाँ पर रख सकते हो। तो हम अपना यहाँ पर पेज का नाम डाल रहे, तो यहाँ पर मैंने अपने पेज का नाम डाल लिया दोस्तों, रेखा ब्लॉग। यह मैं अपना भाभी का पेज बना रहा हूँ दोस्तों, न्यू क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आ गई है। यहाँ पर अपना जो भी कैटेगरी है दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अपने मन पसंद की कैटेगरी दोस्तों नहीं यहाँ पर सिलेक्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी सर्च करो, जैसे हम ब्लॉग बना रहे हैं, पर्सनल ब्लॉग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैटेगरी दोस्तों ऊपर अभी है, तो वो हाल फिलहाल में यहाँ पर यही हम यहाँ पर इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहना, आपको अपने मन पसंद की कैटेगरी आगे आपको सिलेक्ट करके दिखाएंगे दोस्तों। अभी सिर्फ आप देखते जाना कैसे कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब यहाँ पर सीधा क्रिएट पर कर देना है। तो क्रिएट पर टच कर दिया मैंने। अब यहाँ पर सीधा आगे अब क्या करना है, आपको प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस, तो हमें वो तो नहीं करना, हमें तो रील वीडियो बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पर रील वाले पर टच कर देना है, और टच करके सीधा कंटिन्यू पर टच कर देना है। अब कंटिन्यू पर करके फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो वगैरह जो भी आपने अपने गैलरी में रखा है, तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल बना लेना है, ठीक है। तो हम प्रोफाइल पर ये फ़ोटो लगा देते हैं, और ये रहा कवर फ़ोटो। अभी अब ये सिलेक्ट हो जाए, थोड़ा नेट स्लो है, एक एक करके आराम से समझाएंगे आपको। तो ये देखो ये तो प्रोफाइल फ़ोटो आ गया। अब क्या करना है, कवर फ़ोटो भी लेना है, तो कवर फ़ोटो पर हम ये वाला लगा देते हैं दोस्तों, अपने हिसाब से जैसा भी आप। हाँ देखो मेरा सिलेक्ट हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, आपको सीधा नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, आपको ऐसे ही बना लेना है। और तो यहाँ फिर क्या करना है, फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ से फिर भी आपको नेक्स्ट कर देना है। अब क्या करना है दोस्तों, फिर भी आपको इस टाइम ऐसा बनाए रहना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों हमारा फेसबुक पेज बनके एकदम रेडी हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरीके से दोस्तों रेडी नहीं हुआ है। आपको अभी यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है दोस्तों वो सिलेक्ट करना है, और अपना जो सोशल मीडिया लिंक वगैरह है वो दोस्तों वो भी डालना है यहाँ पर। तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर स्टार्ट टावर के टच कर देना है, फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है, और फिर आपको डन कर देना है।
अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर टच करना है, और टच करके यहाँ पर दोस्तों ये तीन बिंदु रखे हैं दोस्तों, थ्री डॉट यहाँ पर, तो इसको आपको टच करना है। और फिर यहाँ से आपको क्या है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर एडिट लिखा है दोस्तों, ये पेंसिल शो बना, इस पर टच करना है। और यहाँ पर टच करके दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा आपको ऊपर करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो बायो, बायो में अपना जो अपने हिसाब से यहाँ अपना बायो डाल सकते हो दोस्तों। तो मैंने यहाँ अपने हिसाब से अपना बायो भर लिया दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपना बायो डाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर सेव पर टच कर दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है, यहाँ पर डिटेल्स के सामने ठीक यहाँ पर एडिट वाला बटन पर टच करना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अपनी कैटेगरी भरने के लिए यहाँ पर देखो पेज ओपन हो गया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कैटेगरी के सामने ठीक यहाँ पेंसिल वाले पर टच कर देना है आपको, यहाँ पर टच कर दिया दोस्तों। अब अपनी जो भी कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हम तो ब्लॉगर हैं, तो हमें अपनी यहाँ पर देखो पहली सर्च बार में हमारा ब्लॉगर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने मैंने टच कर दिया है, तो हमारे यहाँ पर ब्लॉगर जो हमारा कैटेगरी है दोस्तों वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, सेव कर देना है। अब क्या करना है आपको, कॉन्टैक्ट इन्फो वाला एड्रेस जो आपको आ रहा है यहाँ पर, ये सारे के सारे आपको भरना है। तो आपको क्या करना है, ऐड योर एड्रेस, इस पर टच करना है दोस्तों। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपका भर देना है, अपना पूरा पता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपडेट स्ट्रीट में आपको क्या भरना है, यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है, जहाँ पर भी आप रहते हो, जहाँ के रहने वाले हो। तो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ तो मैं अपना गाँव का नाम यहाँ डाले देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल दिया। अब क्या करना है आपको, अब सीधे यहाँ पर सेव वाले बटन पर टच करना है। अब क्या यहाँ पर अब अपडेट सिटी आपका भरने के लिए आ रहा है, तो आपकी जो भी सिटी है दोस्तों वो आप यहाँ पर भर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो भी सिटी है दोस्तों जहाँ, तो मैंने वो भर दिया है यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सेव कर देना है। अब आते हैं यहाँ पर अपना जिप कोड डालने के लिए दोस्तों, आपका जो भी जिप कोड है वो यहाँ पर अपना डाल सकते हो। जिप कोड का मतलब दोस्तों अपना पोस्ट कोड, जो भी आपका पोस्ट कोड है वो भर लेना है। तो मैंने अपना यहाँ पर पोस्ट कोड है दोस्तों वो भर लिया है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर सेव कर देना है। अब यहाँ पर आपका लोकेशन आ रहा है सेव करने के लिए, तो आपको अपना लोकेशन भी सेव कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस एकदम रेडी कंप्लीट होके आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको अब सीधा बैक आ जाना है, यहाँ पर सीधा बैक करना है और टच करना है, फिर से टच करना है और फिर से टच करना है आपको और फिर से टच करना है आपको। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ तो आपका कॉन्टैक्ट इन्फो वाला जो आपको जो यहाँ पर कम्प्लीट हो गया, अब क्या करना है, ऐड फोन नंबर पर, ऐड पर किया तो दोस्तों अब क्या करना है आपको, यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर है दोस्तों, फ़ोन नंबर है आपका, यहाँ पर डाल देना है। और हाँ दोस्तों, फ़ोन नंबर डालने से पहले अपने कंट्री कोड नंबर डाल देना है। तो अपना इंडिया का कंट्री कोड नंबर है 91। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी इंडिया का जो कंट्री कोड नंबर है तो वो मैंने डाल दिया। अब इसके बाद में आपका जो भी फ़ोन नंबर है दोस्तों वो अपना यहाँ पर डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल लिया। अब क्या करना है आपको, सेव वाले बटन पर टच कर देना है। तो सेव वाले बटन पर मैंने टच कर दिया, यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर ऐड हो चुका है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, ऐड ईमेल पर टच करना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो भी ईमेल एड्रेस है दोस्तों वो यहाँ पर आपको डाल देना है। हर किसी के पास एक ईमेल एड्रेस तो होता ही है दोस्तों, तो वही आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना। तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस भर लिया है। अभी आप क्या करते हैं आपको, यहाँ आप सामने देख रहे हो, आप सेव कर देते हैं आपके सामने। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी भर दिया है। अब क्या, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सेव वाले बटन पर टच कर देना है। तो सेव वाले बटन पर टच कर दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये ट्राई इट के नीचे यहाँ पर लिंक लिख के आ रहा है या लिंक्स, तो ये आपको क्या करना है, ऐड पर टच कर देना है। अब ऐड पर टच करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सोशल लिंक, यहाँ पर ऐड सोशल लिंक पर टच करना है। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म लिख कर आ रहा है दोस्तों, अभी यहाँ पर भी टच करना है आपको प्लेटफॉर्म पर। अब आप जैसे इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर हम टच कर देते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम पर हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है यहाँ पर दोस्तों वो डाल देना है आपको। तो हम अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम डाल लेते हैं 264। तो यहाँ पर मैंने अपने जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम है तो वो मैंने डाल दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर
टच कर देना है। तो देखो यूजर नेम हमारा सिलेक्ट हो चुका है, रेखा साकिया 264। अब क्या करना है आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपका यूट्यूब चैनल भी है तो क्या करना है आपको, इससे आपको ऐड सोशल लिंक पर टच करना है और फिर से यहाँ पर अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो सिलेक्ट कर लेना है। यूट्यूब कहाँ है, यूट्यूब। तो यहाँ पर अब क्या करना है अपना यूट्यूब का जो यूजर नेम है दोस्तों, अपने चैनल का जो यूजर नेम है दोस्तों वो यहाँ पर अपना डाल देना है। तो क्या करना है, एट द रेट रेखा 344, ये हमारे यूट्यूब चैनल का यूजर नेम है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर यूजर नेम डाल दिया मैंने, अभी क्या करना है आपको यहाँ पर टच करना है। तो देखो यूजर नेम भी सिलेक्ट हो गया हमारा यूट्यूब का दोस्तों। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों हमारे सोशल लिंक यहाँ पर ऐड कर दिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सेव वाले बटन पर टच कर देना है। तो यहाँ पर सेव वाले बटन पर टच कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, दोनों हमारे सोशल मीडिया लिंक यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो अब आपको क्या करना है, आपको सीधा बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा 00 अभी फॉलोवर्स है, क्योंकि अभी ये नया पेज बनाया है इसलिए दोस्तों। यहाँ पर देखो सी डैशबोर्ड में भी हमारा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब क्या करना है आपको, और ये देखो यहाँ पर किसी किसी का ये मोनोटाइज टूल नहीं खुलता है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, ये भी आपको सामने यहाँ स्टार्ट करना है, आपको ये गेट स्टार्ट कर देना है। और देखो ये इतने सारे टूल्स खुल गए हैं आपके सामने दोस्तों। जब यहाँ पर वीडियो पड़ेगी दोस्तों, वीडियो पड़ेगी जब रीच वगैरह बढ़ेगी दोस्तों, और तब ये सब खुल जाएंगे। देखो यहाँ पर स्टार है, ऐड ऑन रील है दोस्तों, ये बोनसेज है, ये लाइव एड्स है, और इन स्ट्रीम ऐड है, और ये देखो सब्सक्राइबरेशन वाला बटन है दोस्तों। ये सब इनेबल हो जाएंगे जब आप लोग यहाँ पर वीडियो डालोगे तब, ठीक है। आप लोग देख सकते हो तो हमारा पेज एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है बनके। तो आप लोग देख सकते हो एकदम बिल्कुल रेडी है दोस्तों पेज बनकर हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मैंने आप सभी के सामने बिल्कुल लाइव करके दोस्तों फेसबुक पेज बना के दिखाया, क्रिएट करके दिखाया दोस्तों नया पेज, फेसबुक पेज आप लोगों के सामने बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हमारी वीडियो चालू करके रख लेना है दूसरे फ़ोन में अपने, और दूसरे फ़ोन में जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ दोस्तों सेम वैसे वैसे करते जाना है। और मैंने आपको बताया था कि जो कैटेगरी आपको जो फर्स्ट टाइम नहीं सिलेक्ट होती है वहाँ पर, वहीं से आप लोग सभी लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार पता नहीं ये हमारे जो मनपसंद की कैटेगरी है दोस्तों वो सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही अपनी कैटेगरी दोस्तों सिलेक्ट कर लेना जैसे जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है। तो फेसबुक पेज मैंने आप लोगों को बनाना तो सिखाई दिया, अब ये मोनोटाइज आपका कैसे होगा दोस्तों। मोनोटाइज करने के लिए आपको यहाँ पर 5000 फॉलोवर्स होने जरूरी है आपके पेज पर, और 2 महीने के अंदर यहाँ पर 60,000 मिंट यहाँ पर कंप्लीट आपको करना है। 2 महीने नहीं, 60 दिन के अंदर दोस्तों कंप्लीट करना है आपको, और यहाँ पर आपको लाइव भी आना है तभी आपका ये आपका फेसबुक दोस्तों मोनोटाइज होगा। तब तक आपका मोनोटाइज नहीं होगा, और उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, रील बनाना होगा, यहाँ पर आपको ब्लॉग बनाना होगा, जो भी जिस कैटेगरी में दोस्तों आप लोग वीडियो बनाते हो, चाहे कुछ भी है, जैसे आप रील बनाते हो या पोस्ट डालते हो, कुछ भी करते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर रेगुलर काम करना होगा तभी आपको जाके ये मोनोटाइज फेसबुक पेज होगा। तब तक नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि फेसबुक पेज बना दिया तो बस ऐसे ही आराम से बैठे रहो और मोनोटाइज हो जाए, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका फेसबुक तभी मोनोटाइज होगा जब यहाँ पर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, तभी आपका ये मोनोटाइज होगा। जब मोनोटाइज होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, तब तक पैसा ऐसे नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए ऐसे ही हम हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों की मदद करने की कोशिश हमारी पूरी रहेगी दोस्तों। वीडियो जल्दी नहीं आ पाता हमारा, उसके लिए सॉरी। कोशिश तो हम यही करते हैं कि आप लोगों को जल्दी जल्दी हर चीज़ के बारे में बता दें,